तेलंगाना राज्य पर सहमति बन गई है, अलग तेलंगाना पर यूपीए में सहमति बनी है और उसे हरी झंडी मिल गई है। समझा जा रहा था कि यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको हरी झंडी देगी और वैसा ही हुआ। यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसको हरी झंडी मिल चुकी है। यूपीए ने अलग तेलंगाना राज्य पर अपनी सहमति जता दी है और इसको हरी झंडी पूरी तरीके से दे दी गई है। लगातार जो मैराथन तेलंगाना पर चल रहा था वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अलग तेलंगाना पर यूपीए में सहमति बन चुकी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। अलग तेलंगाना राज्य जिसकी मांग सालों से चली आ रही थी, जिसे लेकर के कई बार बवाल हुआ, तमाम राजनीतिक उठापटक इस पर देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, लेकिन आखिरकार अब तेलंगाना राज्य को हरी झंडी मिल गई है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस पर हरी झंडी दिखा दी गई है। मिथिलेश हमारे साथ हैं। मिथिलेश, क्या कुछ रहा यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से चिंता जताई थी, हालांकि तब कांग्रेस ने हरत नहीं जताया था, कहा था कि उनको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपनी चिंताओं को अपने राज्य के दायरे में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए तेलंगाना के मसले पर इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वही हुआ भी आखिरकार। कांग्रेस कोर ग्रुप के बाद अब यूपीए ने भी अपनी मुहर लगा दी है। 5:30 पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि वहां भी अलग तेलंगाना के मसले पर कार्य समिति की मुहर लग जाएगी। अब इसके बाद संसद के हवाले होगा, संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कर दिया जाएगा। और सूत्र हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब कम से कम इस मामले में यूपीए देरी करने के पक्ष में नहीं है, ताकि जो आपात बनाने को एक उम्मीद लग रही है उससे चूक गया। मिथिलेश, यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उसमें क्या कुछ होगा? अंदाज आपको मालूम है, कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, जब इस तरह की बातें होती है, बड़े मसले पर फैसला होता है, कांग्रेस कार्य समिति में इस पर चर्चा होती है और कांग्रेस कार्य समिति अपनी मुहर लगाती है। इसके बाद सरकार के पास ये प्रस्ताव चला जाता है, सरकार इस मसले पर आगे बढ़ती है और जो भी संविधान के मुताबिक प्रावधान होते हैं उसके तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जाहिर है अब जब प्रावधान होते हैं उसके तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जाहिर है अब जब सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब बिल्कुल आश्वस्त हो चुकी है यूपीए सरकार, इसलिए अब कांग्रेस कार्य समिति में ये प्रस्ताव आएगा। हालांकि कांग्रेस कोर ग्रुप में सहमति के बाद से ही चीजें साफ हो गई थी, सरकार और पार्टी में इस बात को लेकर एकमत था कि अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो जाए।